एक मिनट आईआरटी आइस रोड ट्रकर डेडली सो वाकई बहुत मुश्किल शो था यार, कि मतलब ना कि नॉर्मल जाना, ऐसे रास्तों पे जहाँ पैदल नहीं चल सकते वहाँ पे ट्रक चलाना और वो भी सामान के साथ, तो मतलब इससे मुश्किल शो लगाओ, टास्क लगाओ, कुछ लगाओ तो मैंने अपनी लाइफ में पहले किया नहीं था, वाकई बहुत मुश्किल था। मैं यहाँ पे मुंबई में गाड़ी नहीं चलाती, बहुत कम चलाती हूँ, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर, सबसे छोटी गाड़ी जो हमारे घर पे है वो मैं चलाती हूँ, उसके बाद मैं एक ट्रक चला रही हूँ इस शो में 1200 किलोमीटर के लिए। बहुत ट्रेनिंग करना पड़ा और नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग वॉज इनफ फॉर द एक्चुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने ट्रक ड्राइविंग लेसन्स किए और चेन्नई में इस ट्रक के साथ थोड़े और लेसन्स किए, लेकिन जब हम एक्चुअल रोड्स पर पहुँचे अनुभव बिल्कुल अलग था, क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स थे, एकदम एक तरफ खाई थी, एक तरफ माउंटेन था जहाँ पे कभी भी कहीं भी एक बड़ा पत्थर गिर सकता है रोड पर, सो इट वाज वेरी डेंजरस, वेरी स्कैरी, बट आल्सो वेरी वेरी सैटिस्फाइंग। एक टाइम आपका ट्रक क्रॉस गया और थोड़ी देर बाद माउंटेन गिरा है। जी जी, डेंजर जोन में आप ड्राइव कर रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हर सुबह मैं अपनी जान के लिए मैं प्रार्थना करती थी कि आई होप आई सर्वाइव द डे, और हर शाम को मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि मैंने सर्वाइव किया, आई रीच्ड इन वन पीस, मुझे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और हम सब सही सलामत एक मतलब पीस में पहुँच गए हैं। बहुत मुश्किल था, बहुत अलग था, और टीवी शोज़ में आमतौर हमेशा कुछ ना कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स थे कि रोड्स मुश्किल थे, आप ट्रक चला रहे हैं जहाँ आपको ट्रक ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं जो अपने स्पीड में आ रहे हैं, कभी कभी किसी को रिवर्स करना पड़ा ऐसे नैरो रोड पर, तो अलग अलग बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस थे, एंड आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी जैसे मंदिरा जी ने बताया कि ये हमारी ज़िंदगी का मतलब वन ऑफ द मोस्ट टफ अनुभव था, और ऐसे रास्ते रास्तों पर आप पैदल नहीं जा सकते, बाइक लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे आप ट्रक चला रहे हैं इतने सामान लेके, तो मतलब क्या बताया, अब आप खुद देखो, आप थोड़ी देर मुंबई में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं टच हो जाती है, ठोक देते हैं, तो वहाँ पे आप एक इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं और ये मनाली से इतने रास्तों पर लेके जा रहे हैं, लद्दाख से पेंगोंग से फिर लद्दाख टूटूक इंडिया लास्ट विलेज, तो मतलब बाकी आपने टीवी शो देखे हैं जहाँ पे सांस बहु टाइप है, कोई कई ऐसे भी जहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है, कई कई रोड नहीं, मोस्टली रोड ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर है, जहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर है, कई टेम्परेचर -डिग्री है, क्योंकि 14,000 से ऊपर ही हम चलते गए 14,000 है, 15,000 पे गए हम, 17,000 18,000 पे गए, 18,000 तक भी 18,430 समथिंग पे गए, तो आप खुद बताओ कितना मुश्किल था। बाकी टीवी शो देखे हैं, टास्क रहता था कि इनको आगे पे टास्क था वो ट्रक चलाना, ट्रक चलाना और सही सामान वहाँ पे सामान पहुँचाना और सकुशल वापस आना, इससे बड़ा टास्क कुछ नहीं था। नहीं, इतना बड़ा डेंजर जोन में ड्राइव करना बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट काम है, तो इससे पहले आपने कोई एक्सपर्ट की राय ली थी या कुछ राय ली थी? भाई साहब गलती से फंस गए, वहाँ जाके पता चला कि कितना मुश्किल था, इतना टफ था, अब फंस गए। नहीं, पर हर वक्त हमारे साइड पे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर था, तो कहीं भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन निकल आया जहाँ पे जान को खतरा है तो हम ड्राइवर को दे सकते थे टू गेट अस आउट ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि हम सब के साथ एक एक ड्राइवर था वो हैड एक्सपीरियंस ऑन द रोड। और ड्राइवर ऐसा था कि हर वक्त बताता था यहाँ पे 6 आदमी मरे हैं, यहाँ पे 5 मरे हैं और यहाँ पे इतना टफ है, ये सुनना पसंद नहीं आया हमें। निकल जाओ, नहीं करना। कई बार ऐसा लगा, कई बार ऐसे ये थॉट्स आते रहे, कई बार हमने एक्सप्रेस भी किया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, व्हाई एम आई हियर, पर हर शाम को अच्छा लगा कि हम पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए, सब ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हम यही बात करते थे कि आज पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, मेरे का पता नहीं, आज पहुंच जाए कल का पता नहीं, तो बहुत मुश्किल था। जैसे बाकी शो में हैं, बाकी शो में तो आप जानते हैं कि नॉर्मली रहता है सब कुछ, प्री प्लान रहता है, भाई इसमें प्री प्लान नहीं था। हर कोई कहता है ना, जब कोई शो प्रमोट करते हैं कहते हैं कि
हमारा शो डिफरेंट है, हमारा शो डिफरेंट है. मैं ये कहूँगी हमारा शो बहुत मुश्किल था. इट वॉज द हार्डेस्ट थिंग आई एवर डन एवर. ये कहेंगे मुश्किल था, असंभव था. आप देखना शो शो को देखना आपको पता चलेगा कि शो कितना मुश्किल था. जो मैंने इंडिया से ट्रांसपोर्ट ट्रैकर्स के बारे में कुछ मैसेज, यार अभी हमने मैसेज दिया कि उनके लिए काफ़ी एक दिल में बहुत रिस्पेक्ट है कि वो इतनी कम सैलरी में सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, उनको ऊपर से अब्यूज़ भी करते हैं, रास्ता नहीं देते, तो हम परेशान भी होते, इरिटेट भी होते हैं. तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि अब जो भी कोई ट्रक दिखता है तो हम रुक जाते हैं. बड़े बड़े खतरनाक डेडलाइन पे काम करते हैं, कभी कभी सोए बगैर ट्रक चलाते हैं क्योंकि उन्हें सामान पहुंचाना है टाइम पर. सो हैट्स ऑफ टू देम. आगे से जब भी मैं किसी ट्रक के पीछे अगर फंसी हूँ तो मैंने तंग बिल्कुल नहीं करूँगी, हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाऊँगी, क्योंकि मैंने उल्टी तरफ से ऐसे एक्सपीरियंस किया. सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों ने मुझे तंग किया वो ट्रक ड्राइवर्स नहीं थे, वो लोकल गाड़ी वाले थे. सेकंड थिंग उनकी उनकी बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत सारी हर रोज डेंजर में, रोज डेंजर में थे. और दूसरा क्या कि उनकी सैलरी काट लेते हैं ड्राइवर की, अगर टाइम पे सामान नहीं पहुंचाते थोड़ी सैलरी मिलती उसमें काट लेते हैं. नाम का खाना, नाम का वो. थैंक यू सो मच. लविंग फिल्म से, और ये कैसा शो है जिसमें लविंग, अगर आपको प्यार करना है आप कर लो, लेकिन आप डरोगे ज़्यादा, आप एडवेंचरस चीज़ें ज़्यादा देखोगे. तो मेरा मन था हर करने का, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ था कि अगर मैं शो ना करता तो मैं ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले मुझे ट्रक चलाने के लिए भेजते लद्दाख कभी. वो गाड़ी की ट्रिप पे भेज देते, फ्लाइट से भेज देते, बाइक से भेज देते, लेकिन ट्रक में कभी ना भेजते. तो आई थिंक एक जब ये ऑफ़र भी हुआ मुझे तो मुझे लगा बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा एडवेंचरस है, बड़ा मज़ेदार है और खूब मज़ा आएगा. लेकिन मेरे को पता था कि डर लगेगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डर लगेगा. और जितना मुश्किल था उससे 100 गुना ज़्यादा मुश्किल एक्चुअली में था. तो वो परसेप्शन थोड़ा चेंज हो वापस आके, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कहीं पे भी ज़िंदगी में कहीं पे भी कोई भी व्हीकल चला के जो कि ट्रक से बड़ा ना हो आम, वो चला के मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ. बहुत ज़्यादा मुश्किल था यार, मैं ऐसे ही बोलूँगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मुझे. आप ऐसे एक टेरेन पे हैं जहाँ पे सड़क ही नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, और अगर बारिश होगी तो वो पानी जो मिट्टी है वो पूरी चिकनी मिट्टी बन जाएगी, वो पहाड़ एकदम स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा. धुंध होगी तो आपको पता नहीं आगे मोड़ है कि खाई है, और साथ में ट्रैफिक है. एक अगर आप एक साइड से जा रहे हो दूसरी साइड से कुछ आ गया तो आपको नहीं पता आप कैसे वहाँ से निकलोगे. तो आई थिंक वो एक ये रूट ही पूरे ऐसे जहाँ पे आप कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, जहाँ पे फ़ोन भी नहीं है. अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आसपास सिर्फ लोग हैं जो कि रात को या शाम को बिल्कुल नहीं आते. तो एक एकदम आइसोलेटेड सेक्लूडेड जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपकी जान आप ही के हाथ में है, और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स ख़राब हो जाए ऊपर नीचे तो वो आपके हाथ में भी नहीं रहेगी. वहाँ ऑफकोर्स मुश्किल था बिकॉज टेम्परेचर माइनस में चले जाते थे एंड ऑक्सीजन की कमी. मुझे पर्सनली एक खारदुंगला करके एक पास है जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल सड़क है. तो वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो उधर वो 18,000 कुछ फीट पे, 18,390 फीट की आई थिंक उसकी ऊंचाई है. और जब वहाँ पे था मैं तो एक बार ही हुआ था कि मैं उस वहाँ पे उतरा और सिर्फ चल रहा था, सिर्फ फील लेने के लिए कि कितना मज़ेदार होता है. तो जब मैं चला तो मैं पैरों को सिग्नल दे रहा था कि तेज़ चलो, लेकिन जो ऑक्सीजन था वो दिमाग तक इतना पहुँच नहीं पा रहा था. तो मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा था और अपने मैं बॉडी को सिग्नल दे रहा था कि तेज़ चलो. तो उस टाइम में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा, मुझे लगा कि मेरा सर घूम रहा है, मुझे नौजिया हो रहा है, और मेरी बॉडी मेरा कहना ही नहीं मान रही है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर नहीं पा रही है. तो उस टाइम में मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है. और वहाँ पे फिर से ऑक्सीजन मास्क मुझे लगे, मुझे गाड़ी में बिठा के एकदम निचली हाइट पे लेके आना पड़ा. तो वो ऐसे चैलेंजेस काफ़ी बार ही आते थे, सर बहुत घूमता था, बट फाइनली ज़िंदा आ गए वापस बॉम्बे में, और अब फ्राइडे से शो आ रहा है तो आई थिंक खुशी है उस चीज़ की. मैंने किसी से राय नहीं ली थी, क्योंकि अगर मैं राय लेता तो क्या पता मुझे लोग मना कर देते, लेकिन मेरा मन था. और मैंने बस घर पे बताया था कि मैं लद्दाख में ऐसे एक शो है जिसमें मुझे ट्रक चलाना है, और लद्दाख है बहुत खूबसूरत जगह है तो मुझे जाने दो. और मेरे परिवार में से अभी तक कोई लद्दाख गया नहीं था तो उनको पता नहीं था कितना मुश्किल था वो. लेकिन अब जब ये शो देखेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे लद्दाख या मुझे लोनावला तक भी भेजने में उनको थोड़ा डर ना लगे. कुछ नया एक्सपीरियंस मिला
मुझे एक्सपीरियंस ये मिला, मुझे बिना फ़ोन के रहने को पता चला कैसे लगता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना गर्म पानी के, बिना बत्ती के, बिना ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होते हैं उसके बिना रहने में कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा नहीं आता है, इस चीज़ का मुझे पता चल गया इस शो पर। उनके लिए बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो काम करते हैं वो बहुत ही दिलदार काम है, आप जो काम करते हैं बहुत ही मुश्किल काम है, आपके परिवार जो आपका साथ देते हैं वो उनके वो मेरा सलाम, एंड पूरी जो रिस्पेक्ट फैक्टर है आप जितने भी हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए, मेरे लिए, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में वो सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर वो लोग रूठ जाएँ किसी बात से तो हिंदुस्तान रुक जाएगा। थैंक यू।